अस्सलाम वालेकुम, सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कॉनेक्ट अकाउंट के ज़रिए हम अपने फूड पांडा वॉलेट को किस तरीके से कलेक्शन जो भी हमारे पास जमा होती है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो चलें कुछ सीख लेते हैं, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। सो दिस इज़ माय कॉनेक्ट अकाउंट और ये मेरी रकम है, ठीक है। और 2540 के आसपास रकम है और मैं यह ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ फूड पांडा वॉलेट के अंदर। जस्ट आपको यहाँ पर आना है इस ऑप्शन पर, ठीक है। इस ऑप्शन पर आने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है ये ऑप्शन, मैक पेमेंट पर आना है। यहाँ पर लिखा हुआ है फूड पांडा, ठीक है। ये रहा 8 नंबर पे लिखा हुआ है फूड पांडा। जस्ट इसको ऑन करें, यहाँ पर फूड पांडा सेलेक्ट करें, राइडर आईडी लिखा हुआ है, राइडर आईडी अपनी डालें जो भी हो। तो मेरी तो जो राइडर आईडी है मैं वो पिश कर रहा हूँ, यहाँ पर पिक फिक्स कर रहा हूँ। इसके अलावा आपका फ़ोन नंबर जो कॉनेक्ट अकाउंट के अंदर है वो फ़ोन नंबर आपने लगाना है। जस्ट आपने नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट कर देंगे तो एक नया पेज खुलेगा, वहाँ पर आपको कहेगा कि एंटर योर अमाउंट, ठीक है। आप देखें नीचे अमाउंट का ऑप्शन है, अमाउंट के ऊपर जाके आपको कितने पैसे ऐड करना है। मेरे पास 2500 रुपये हैं तो मैं कोशिश करता हूँ 1200 रुपये के करीब मैं यहाँ पर चार्ज कर देता हूँ, क्योंकि मेरा वॉलेट जो है उसमें 1200 रुपये की मुझे ये कलेक्शन क्लियर करवानी है। तो 1200 देन अगेन पे, देन आपका पासवर्ड कॉनेक्ट अकाउंट का जो होगा वो वाला पासवर्ड डालना है। जस्ट आपको प्रोसीड करना है। पिन इंटर पिन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर मैसेज आ गया कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल फूड पांडा के वॉलेट में। अब हम क्या करते हैं कि अपने यहाँ से बैक हो जाते हैं और जाके चेक करते हैं कि फूड पांडा वॉलेट हमारा 1200 रुपये की ट्रांजेक्शन जो थी वो क्लियर हुई है या नहीं। आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट से 1200 रुपये लेस हो गए। तो अब अपन चलते हैं कि फूड पांडा रोड रनर आईडी के अंदर, जहाँ पे आपका वॉलेट शो होता है। वॉलेट के अंदर आप लोग डायरेक्टली देख लीजिएगा, क्योंकि रिफ़्रेश होने के बाद हट जाएगा। मैं वॉलेट ओपन करता हूँ, वॉलेट में देखें 1193 रुपये की मेरी ये कलेक्शन थी, अब रह गई है प्लस 6.77 पी के आ। अब 6 रुपये मेरे प्लस में पड़े, तो दिस इज़ द वे। इसी तरीके से आप वॉलेट को क्लियर कर सकते हैं। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताएं, हम आपकी दोबारा हेल्प कर देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी किया करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारी नई आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके रखें। हम इसी तरीके की बेशुमार वीडियोस लाते हैं फूड पांडा से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड और टेक्निकल वीडियोस भी हमारे चैनल पे आप लोगों को मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान, फ़ी अमानिल्लाह।